खुश नसीब होते हैं वो लोग जो वतन के काम आते हैं। खुश नसीब होते हैं वो लोग जो वतन के काम आते हैं। वतन पर मरकर भी ये लोग अमर हो जाते हैं। सलाम करते हैं हम वतन पर मर मिटने वाले को। सलाम करते हैं हम वतन पर मर मिटने वालों को। उनकी वजह से ही तो हम चैन की सांस ले पाते हैं। उनकी वजह से ही तो हम चैन की सांस ले पाते हैं। दोस्तों, मुरादनगर थाना क्षेत्र के गांव भिकनपुर निवासी बॉबी आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। बॉबी श्रीनगर के अखनूर में तैनात थे। आतंकियों से मुकाबला करते हुए उनके गले में गोली लगी। अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आर्मी हेडक्वार्टर से इस संबंध में परिजनों को सूचना दी गई है। गांव भिकनपुर निवासी बॉबी भारतीय सेना में कार्यरत है। उनकी तैनाती श्रीनगर के अखनूर में चल रही थी। शनिवार को आर्मी हेडक्वार्टर से बॉबी के परिजनों को सूचना मिली कि आतंकियों से मुकाबला करते हुए बॉबी को गोली लग गई। गले में गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। 3 साल पहले हुई थी सेना में भर्ती। परिजनों के मुताबिक बॉबी अविवाहित और 3 साल पहले ही भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। परिजनों का कहना है कि पार्थिव शरीर कब आएगा। वहीं बाबू के शहीद होने की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। तो दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से शहीद बॉबी कुमार को सत सत नमन करता हूं, और मैं नमन करता हूं उन माओं को जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया जो हंसते हंसते अपने देश के लिए बलिदान हो गए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अनदेखा ना करें, कॉमेंट बॉक्स में जाकर जय हिंद जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।